खुदा के जीवन में जैसा अदा करे कि रश्क तुझ पर ये सारा जहां करे सादर स्वागत है। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा एक मेरा जो एक अटेम्प्ट है, प्रयास है, कोशिश है कि जो हमारे देश की कल्चरल डाइवर्सिटी जो पूरी दुनिया में एक यूनिक फीचर रखती है, हमारे देश में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का कल्चर है और ये कल्चर हमारी एक विरासत है, एक कल्चरल हेरिटेज है। ये हमारे देश के लोगों को जोड़ने का काम करती है, बाइंड करने का काम करती है। तो हमारी कोशिश आज जो हमने 3 रोजा ये प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम में ये है कि डिफरेंट कल्चर्स के जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेस यहाँ शो करेंगे। कल्चर एकेडमी ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। जो हमारा कंसेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी को प्रमोट करना, अपने इस कल्चरल हेरिटेज को यूथ के साथ कनेक्ट करना, इसको नेक्स्ट जनरेशन तक पास करना, ये हम सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत युवा कलोत्सव अत्यंत ही प्रेरणादायी पहल है। मैं संगीत नाटक एकेडमी को इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक यात्रा के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मानता हूँ इस तरह के उत्सव हमारे देश की विविधता और एकता की एक झलक दिखाने के साथ साथ युवा कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा निखारने का एक सशक्त प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे। इस बात को मैं खासतौर से युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि 21वीं सदी ये भारत की सदी है। आज संपूर्ण विश्व भविष्य की संभावनाओं के लिए भारतवर्ष की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। इस तरह हम अपनी परंपरा को संरक्षित रखते हुए आधुनिक विश्व का मार्गदर्शन करेंगे, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हमारा युवा किस तरह से सहज एवं स्वतः स्फूर्त विकास को गति दे पाता है। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि आजादी का अमृत कालखंड देश की सांस्कृतिक सामाजिक एकता को मजबूत बनाते हुए सामर्थ्यवान एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने का भी कालखंड है। मैं समझता हूँ इस लक्ष्य तथा समस्त मानव जाति के कल्याण का दारोमदार हमारे युवाओं पर ही है। युवा साथियों, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि
21वीं सदी में अगर परिवर्तन का कोई सबसे सशक्त माध्यम होगा तो वो देश का युवा होगा। विकास एवं समतामूलक समाज का सृजनकर्ता अगर कोई है तो वह भी युवा है, और समाज के रूपांतरण के लिए आज सबसे ज़्यादा कोई अधीर है, उत्सुक है, तो वो भी युवा ही है। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे कला हो, स्पोर्ट्स हो, विज्ञान हो, जिस दिन युवा अपने अद्वितीय होने की क्षमता को पहचान लेगा उस दिन से ही नई क्रांति का सूत्रपात होना शुरू हो जाएगा। आज़ादी के अमृत कालखंड में उन युवा क्रांतिकारियों को भी हमें याद करना जरूरी लगता है जिनकी आंखों में एक आज़ाद एवं मजबूत भारत का सपना था। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, कर्मठता एवं साहस के दम पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे युवाओं ने ब्रिटिश शासन के नींव की चूलें हिला दी थी, पूरे मुल्क में उत्साह का संचार किया था और उसे एक नई दिशा भी दी थी। उस दौर में देश में जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए उन सभी में युवाओं की भागीदारी प्रमुख थी, और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को किसोई हुई चेतना को जागृत किया, उसे उकसाया और उन्हें कर्म की ओर प्रवृत्त किया। युवा साथियों, अमृत कलोत्सव एक ऐसा अवसर है जब हमें यह भी स्मरण करना चाहिए कि अगले 25 वर्ष की हमारी सांस्कृतिक यात्रा तथा राष्ट्रीय संकल्प सामाजिक न्याय के साथ सर्वांगीण उन्नति का होना चाहिए और भारतवर्ष के गौरव को दुनिया में पुनः प्रतिस्थापित करने का होना चाहिए। हमारा युवा आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन, आर्थिक विकास, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का मिला जुला एक अनोखा प्रतीक है, और मैं समझता हूँ इस संकल्प को साकार करने के लिए 3 तत्व, युवा ऊर्जा, राष्ट्रीय एकता एवं आत्मनिर्भर समाज निर्णायक साबित होंगे। हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश की 65% से ज़्यादा आबादी युवा है, और हमारे लिए ये मात्र एक डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो दृढ़ संकल्पित होकर नई उमंग के साथ राष्ट्र के ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बन सकती है। आज हमारे सामने जो महान संभावनाएं एवं चुनौतियां हैं उसमें युवा शक्ति का व्यापक और दूरगामी महत्व भी है। मैं समझता हूँ युवा शक्ति ही समाज के सभी वर्गों को स्वावलंबी बनाने, उनके विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराने और प्रगति के लाभ में हर एक वर्ग को भागीदार बनाना सुनिश्चित कर सकेगा। साथ ही साथ एक शक्तिशाली, संगठित और समृद्ध भारत को विश्व के हर एक क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए की जा रही तैयारी के पीछे भी युवा शक्ति, युवा गतिशीलता एवं उसके नैतिक आदर्श अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। युवा साथियों, अमृत कला उत्सव जैसा आयोजन अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की तरफ भी हमें देखने का एक अवसर देता है। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जिसने सदियों से विज्ञान, कला एवं आध्यात्म का संतुलित वातावरण, उसके फलने फूलने की व्यवस्था तैयार की थी। उस दृष्टि से विज्ञान को मैं विकास की खोज मानता हूँ, कला उस विकास, उस प्रगति की अभिव्यक्ति है, और आध्यात्म उसका अनुभव है। इसलिए पश्चिमी देशों के भी बड़े बड़े चिंतक, लेखक इस बात को स्वीकार करते हैं कि पर्यटक, टूरिस्ट कई बार यहाँ आते जरूर हैं लेकिन असली भारत से बिना मिले ही चले जाते हैं। इसकी भौगोलिक खूबसूरती तो लोगों को दिखाई पड़ जाती है लेकिन कई बार
सांस्कृतिक आध्यात्मिक दिव्यता का अनुभव लोग नहीं कर पाते। ध्यान से सुना जाए तो तमाम रागों की तिहाई, बोल, उठान एवं लयकारी से भारतवर्ष का सांस्कृतिक हृदय पूरी तरह से भरा हुआ है। चाहे गायन हो या नृत्य हो, मैं उसे मात्राओं का हिसाब नहीं बल्कि हृदय का बहाव मानता हूं। और इसलिए कलाकार कभी नहीं कहता है कि उसने कुछ गाया है, वो हमेशा कहता है वह तो मात्र एक माध्यम है जिसके जरिए संगीत उतर रहा है। और यही वजह है कि सदियों से हर एक गीत, हर एक नृत्य की ऊर्जा ने समाज की चेतना को जागृत रखा है। आप सभी देशों का इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो आपको नानक, कबीर, मीरा, लालदेव जैसे व्यक्तित्व नहीं मिलेंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतवर्ष ने प्रगति की दौड़ में सांस्कृतिक दिव्यता एवं अध्यात्म की संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता सदैव से दी है। आज के युवा वर्ग को यह जानने की जरूरत है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उन कलाकारों ने अनेक प्रकार की तकलीफें सही, यातनाएं झेली। 1910 में सभी प्रकार के डांस फॉर्म के बैन का विरोध करने की वजह से कृष्णा अय्यर साहब को जेल जाना पड़ा था। सभी विधाओं में उस समय के साधकों ने भविष्य की पीढ़ी के लिए न सिर्फ कलाओं को जिंदा रखा बल्कि उसके माध्यम से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का भी काम किया। इसलिए मानता हूं कि कला की शक्ति सामाजिक रूपांतरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और यह भी याद रखना आवश्यक है कि हमारे सांस्कृतिक खजाने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से संरक्षण और सजगता से उसे आगे बढ़ाने का जो उत्तरदायित्व है, जो हमारी युवा पीढ़ी के कंधों पर आने वाला है। भारतीय अस्मिता अधिक जीवंत हो और हर एक नागरिक स्वयं को इससे जुड़ा हुआ महसूस करे, इस बात के लिए भी हमें प्रयास करना होगा। इस बात को हम सभी को याद रखने की आवश्यकता है कि कला हमारी परंपरा का जीवन तत्व है और इसके अलग अलग एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन करेगा। हमारे बहुत से युवा कलाकार देश के अनेक हिस्सों से आज यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। वो इस बात से अवश्य वाकिफ होंगे कि जम्मू कश्मीर को संस्कृति का खजाना कहा जाता है। हो सकता है कुछ युवाओं को पता हो कि हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक म्यूजिक में सभी विद्वान जिस एकमात्र ग्रंथ संगीत रत्नाकर को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उसकी जड़ें जम्मू कश्मीर में ही हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक संगीत के एकात्मता एक लंबी और रोचक दास्तान है जिसे आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों तक पहुंचाने की जरूरत आज ज्यादा महसूस की जा रही है। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि संगीतज्ञ सोढ़ल का जन्म यहीं 1187 में हुआ था और बाद में वह दक्षिण भारत के यादव डायनेस्टी दरबार से जुड़ गए थे। सारंगदेव की संगीत यात्रा उसी साम्राज्य से शुरू हुई थी और उनकी अनेक पीढ़ियों की यात्रा को भी मैं भारत के कला के सामर्थ्य, उसकी विविधता की यात्रा मानता हूं। मुझे स्मरण है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे संगीत की इस अनोखी यात्रा के अहम हिस्से थे। 1904 में उन्होंने कहा था कि दक्षिण के संगीत में नारद भरत मत चलता है और उत्तर में हनुमत भरत मत चलता है। उन्होंने जिस प्रकार विभिन्न रागों के ऊपर शोध किया, रिसर्च किया, एक दूसरे से उसे जोड़ने का काम किया, उसे मैं अतुलनीय मानता हूं। और मैं अनुरोध करूंगा युवा कलाकार पंडित भातखंडे की दक्षिण यात्रा के बारे में अवश्य पढ़ें, अवश्य अध्ययन करें।
साथियों, जम्मू कश्मीर की लोक कथा में भी एक भारत, लोक कला में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल परंपरा और विरासत को सशक्त बनाने का सदैव काम किया है। हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, कोजरी, सीना, भद्रवी समूह की भाषाओं से जुड़ी अनेक लोक कथाओं में बदलते वक्त के साथ आधुनिक जीवन को अभिव्यक्त कर समाज की जीवंतता और जीवन मूल्यों के संरक्षण में अपना योगदान दिया है। हमारा युवा वर्ग सांस्कृतिक परंपराओं तथा कला के विविध रूपों को नई पहचान एवं नया आकार देने में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर की लगभग 55% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और उन्हें मैं समाज की चेतना की संपत्ति मानता हूं। उनका बहुमुखी विकास हो, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन यूथ युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटा है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के युवा कर्तव्य निष्ठा के द्वारा जम्मू कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में सहायक होंगे। मुझे विश्वास है कि विभिन्न राज्यों की कला की अलग अलग धाराएं अमृत युवा कला महोत्सव को एकीकृत पहचान देंगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सुदृढ़ करेंगे। चलते चलते आपसे दो शब्द कहना चाहूंगा। ये मैकसी है तो फिर साने मैकसी क्या है, बहक न जाए जो पीकर और रिंद ही क्या है। बस एक संत उड़ा जा रहा हूं वसत में, बस एक संत उड़ा जा रहा हूं वसत में, खबर नहीं कि खुदी क्या है, बेखुदी क्या है। यह उत्सव जीवन मूल्यों के विराट को देखने का अवसर है। सभी कलाकार पूरी समग्रता से कला को सजाएं, संवारें, उसकी अनुभूत समाज में बांटें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं फिर से एक बात आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संध्या पुरेचा, चेयरमैन संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली से हूं और युवा कला महोत्सव यहां पे आयोजित किया गया है। ये युवा कला महोत्सव का अमृत युवा कला महोत्सव है क्योंकि भारत की आज़ादी के जो 75 साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बस उसी का एक स्वरूप यहाँ पे हमने 75 शोज 75 कार्यक्रम संपूर्ण भारत भर में करने का इरादा किया है। और पहला पुष्प हमने तमिलनाडु से शुरू किया, दूसरा इम्फाल में था, तीसरा भोपाल में और आज चतुर्थ पुष्प जम्मू में शुरू किया है, जहाँ पे नृत्य वादन संगीत के विविध कलाओं का, नृत्य का और नाटक एवं पपेट का भी इसमें समावेश किया गया है। और उसके साथ साथ हम कला समीक्षा का भी एक आयोजन कर रहे हैं। इस कला समीक्षा में बहुत सारे विद्वान समीक्षक आके अपनी राय देंगे और युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करेंगे कि आप कला समीक्षा और कला के बारे में जागरूक हों और अपनी राय दें।